हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है टेकविला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक न्यूज़ शशांक। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आप सभी को कि व्हाट्सएप के दो नए फीचर्स जो कि बहुत जल्द ही आने वाले हैं व्हाट्सएप के अंदर में, और जिस पे व्हाट्सएप अभी काम कर रहा है हाल फिलहाल में, तो वो दो कौन से फीचर्स हैं जिस पे व्हाट्सएप काम कर रहा है। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारी चैनल में नया विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो में नए हैं, तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और करने के बाद उसको बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दो फीचर हैं व्हाट्सएप के अंदर में आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी फीचर्स हैं। वो है, पहला तो है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और दूसरा है फेस आईडी स्कैनर, मतलब फेस आईडी लॉक। तो ये दोनों फीचर्स बहुत ही जल्दी व्हाट्सएप के अंदर में आने वाले हैं, और इस पर ऑलरेडी वर्क होना शुरू हो गया है, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। तो ये दोनों फीचर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो फिलहाल जो बीटा वर्जन जो इसका है आपका व्हाट्सएप का, जो लोग व्हाट्सएप में अभी बीटा वर्जन लेके बैठे हैं, उनको सबसे पहले ये यूज़ करने को मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में बीटा वर्जन फुल होने के कारण आप लोग उस फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस फीचर के बारे में मैं आप लोगों को बता, और दोस्तों ये फीचर जो है व्हाट्सएप का, जब जैसे ही आता है सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिलेगा मैं ये बता देता हूँ। तो पहले आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है, व्हाट्सएप में जाने के बाद में यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करिए, करने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन है, प्राइवेसी के ऑप्शन में के नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन, सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाइए, और यहाँ पे आप देखेंगे फिलहाल यहाँ पे आपको यही फीचर एक ही दिया जाता है कि शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया रहता है, जहाँ पे आपके मैसेजेस को इनक्रिप्ट किया जाता है, उसकी खबर आपको यहाँ पे जो है उसका ऑप्शन बस दिया है कि वो आप सिक्योरिटी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आपके ऑप्शन आ जाएगा फेस आईडी लॉक का, और आईफोन के लिए, और एंड्रॉयड में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड में आपके ऑप्शन आ जाएगा फिंगरप्रिंट स्कैनर सेट करने का। आप यहीं से फिंगरप्रिंट स्कैनर सेट कर पाएंगे, और करने के बाद में जब भी आप ओपन करेंगे व्हाट्सएप को, तो सबसे पहले आपको उसको लॉक खोलना होगा अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करके। दूँ कि पहला तो जो है एप्पल के लिए, मतलब जो iOS के लिए, उसके लिए जो है डेवलप किया जा रहा है फेस आईडी, और इसके अलावा जो है फिंगरप्रिंट आईडी स्कैन करने का, लॉक करने का जो सिस्टम है वो सबसे पहले iOS, मतलब आपका आईफोन में अवेलेबल होगा। और इसके अलावा एंड्रॉयड में फेस आईडी का ऑप्शन सबसे शुरू में नहीं दिया जाएगा, इसमें सबसे पहले जो है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फिंगरप्रिंट लॉक का जो है सबसे पहले ऑप्शन दिया जाएगा एंड्रॉयड में। मतलब एंड्रॉयड के लिए अलग डेवलपमेंट चल रहा है, और इसके अलावा आपका एप्पल के लिए, iOS के लिए अलग डेवलपमेंट चल रहा है। दोनों में अलग अलग फीचर आएंगे। फेसबुक में जो है कि आने वाले समय में भी ये फीचर आने वाले हैं, क्योंकि अब फेसबुक के अंदर में ही व्हाट्सएप जो है फेसबुक की कंपनी ही है। तो ये जो अगर आईडी लॉक का, स्कैनर का जो है अगर साथ में फीचर आता है, तो ये फेसबुक में भी आने की संभावना है, लेकिन सबसे पहले ये व्हाट्सएप में अप्लाई होगा, और ये खबर आपको हम सबसे पहले दे रहे हैं।